विनेश फोगाट एक साजिश का शिकार हुई है। ऐसा लगता है किसी ने उसके साथ साजिश की जिससे देश एक मेडल से वंचित हो गया। विनेश फोगाट के मामले में आज पूरा देश चर्चा कर रहा है, चिंता कर रहा है, पूरे देश को चिंता है कि देश ने एक मेडल खो दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कौन इस साजिश के लिए जिम्मेदार है। मैं पूछना चाहता हूँ इस ये जो दुर्घटना हुई देश के साथ जिससे एक मेडल भारत को नहीं मिला और एक खिलाड़ी जो जीत कर भी हार गई, जो जीती थी अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से, अपनी ताकत से, अपने लगन से, वो खिलाड़ी किसी साजिश का शिकार हो गई। एक मेडल जो अशोर्ड मेडल था, रजत पदक उनको पक्का था, लेकिन किसी की साजिश के कारण वो रजत पदक भी उनके हाथ से निकल गया। एक रूल 11 का हवाला दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत उनका मेडल उनसे छीन लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं उसी रूल 11 में यह भी प्रावधान है कि अगर वो खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए, अगर वो खिलाड़ी वेट के लिए अगला मैच नहीं खेल सकता या बीमार है या किसी भी स्थिति में, तो उसको रजत पदक मिलता। अगर वो वेट नहीं करवाती तो रजत पदक उनका पक्का था। ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि वेइंग मशीन दुनिया में एक ही थी कि वहीं पे जाके वेइंग मशीन हो सकती थी। वही वेट 5 मिनट पहले क्यों नहीं किया गया, कि 5 मिनट पहले क्यों नहीं देखा गया कि वो ओवरवेट हैं, और जो इतने अधिकारी, इतने पदाधिकारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, जो भारतीय कुश्ती संघ के, जो उनके साथ गए हुए थे, वो क्या कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ खेल मंत्री क्या कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, जिन्होंने जिनकी तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री